देख रहे हैं हिसाब खेल का, मैं हूं लक्ष्मी। इंडियन क्रिकेट में कल मैक्सवेल नाम का तूफान आया, जिसने टीम इंडिया के बॉलर्स के छक्के छुड़ाते हुए इंडिया को दूसरे T20 मैच में हराया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 11 साल बाद पहली बार भारत में T20 सीरीज जीती। बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में दो T20 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मैच खेला गया, जिसमें भारत ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को 191 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में ग्लेन मैक्सवेल ने 360 डिग्री अंदाज में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैदान के हर कोने में छक्के मारते हुए 55 गेंदों में 113 रनों की पारी खेल डाली, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से मैच को अपने नाम किया। भारत की तरफ से दूसरी T20 मैच में कप्तान कोहली ने नाबाद 72 रनों की पारी खेली थी। सीरीज का पहला मैच विशाखापट्टनम में खेला गया था, जिसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। इस तरह 2007-08 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार भारत को उसकी सरजमी पर हराया। भारत में जहां बीती रात मैक्सवेल तूफान आया, वहीं वेस्टइंडीज में गेल नाम का हरिकेन आया, जिसने एक समय इंग्लैंड के होश उड़ा दिए थे, मगर अंत में बाजी अंग्रेजों के हाथ लगी। इंग्लैंड टीम इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां टेस्ट सीरीज हारने के बाद कल 5 वनडे मैचों की सीरीज का चौथा मैच ग्रेनेडा में खेला गया, जिसमें पहले अंग्रेजों ने तो बाद में गेल ने जमकर ग्रेनेड दागे। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 418 रनों का बड़ा टारगेट दिया, जिसमें कप्तान इयान मॉर्गन ने 103 और जोस बटलर ने धमाकेदार 150 रनों की पारी खेली। जवाब में क्रिस गेल ने शुरू से ही अपने बल्ले से छक्के बरसाना शुरू कर दिए और 97 गेंदों में 162 रनों की तूफानी पारी खेली, मगर ये जीत के लिए पर्याप्त नहीं थी और वेस्टइंडीज की टीम 389 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह सीरीज में अब इंग्लैंड 2-1 से आगे हो गई है। सीरीज का आखिरी मैच 2 मार्च को सेंट लूसिया में खेला जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जहां अभी 2 महीने का समय है, वहीं शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत और हंगरी ने 3 गोल्ड मेडल जीत की बराबरी के साथ पहला स्थान हासिल किया है। देश के शूटर सौरभ चौधरी ने इसमें 2 गोल्ड सहित ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। देश की राजधानी नई दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में ISSF वर्ल्ड कप खेला गया, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा ना देने जाने के कारण 25 मीटर रैपिड फायर और मिक्स टीम इवेंट से कोटा छीन लिया गया था। इसके बावजूद देश के निशानेबाजों ने अपना गोल्डन निशाना लगाना जारी रखा। सिंगल में हारने के बाद मनु भाकर ने सौरभ के साथ मिलकर वर्ल्ड कप के आखिरी दिन 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम में गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि अंजुम मुदगिल ने पहले ही दिन गोल्डन निशाना लगाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया था। इस तरह भारत ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए और विश्व कप में टॉप स्थान हासिल किया। बहुत खुशी है, थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, पर अभी तो और मेहनत करनी है। सब कुछ अच्छा गया मैम, बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन था, इसमें कोटा भी मिला, मेडल भी आया और मिक्स टीम में भी अच्छा हुआ, बहुत ही खुशी की बात है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। Yeah, I'm really. It was really impressive the way it started from Mexico, and yeah, I could really have built up that confidence that I'm someone who could just finish at the podium and be there in the world number 1 or 2. So I'm working hard for that, to be world number 1 this year. And yeah, I mean, it was a beautiful year. I have so much to learn from all the failures and also the wins. So I think yeah, it was a good lesson. 2018 was amazing. वही वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद मनु के अगले लक्ष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्माइल देते हुए कहा कि अब शूटिंग के बाद एक्शन का एग्जाम टाइम आ गया है और मैं घर जाकर एग्जाम की तैयारी करने वाली हूँ। आई हैव माई एग्जाम्स नाउ, सो डे आफ्टर टुमारो आई हैव माई फर्स्ट एग्जाम, सो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट ओनली। और अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज के दिन इंडियन क्रिकेट के चेस मास्टर विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 2012 में 320 रन्स के टारगेट का पीछा करते हुए 133 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने मलिंगा को एक क्लब गेंदबाज की तरह मारा था।
आज न्यूजीलैंड के फॉर्मर विकेटकीपर बल्लेबाज इयन स्मिथ का बर्थडे है। उनका जन्म 1957 में हुआ था। 161 मैचों में स्मिथ ने 2870 रन के साथ विकेटकीपिंग में 262 शिकार किए थे। इस समय स्मिथ एक बेहतरीन स्पोर्ट्स प्रेजेंटर है। आज का दिन गोल्फर टाइगर वुड के लिए काफी खास है। 16 साल की उम्र में आज ही के दिन उन्होंने सबसे कम उम्र में पीजीए गोल्फ टूर अपने नाम किया था। 35 साल के टाइगर ने 1992 लॉस एंजलिस ओपन से करियर की शुरुआत की थी। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी कुछ खास जानकारी। देखते रहिए हिसाब खेल का। आपको हमारा शो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।